नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। राजधानी पटना के लोगों के लिए लगातार मेट्रो की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार हर एक प्रयास कर रही है, जहां 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के द्वारा टीबीएम मशीन का उद्घाटन कराया गया था। हरी झंडी दिखाकर अंडरग्राउंड में ड्रिल करने के लिए उद्घाटन किया गया था। वहीं लगातार मेट्रो को लेकर अपडेट जो आते रहती है, जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है वो धीरे धीरे पूरा होते हुए नजर आ रहा है। मेट्रो का जो काम है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, जहां लोगों को अब ये उम्मीद जो है वो लगातार दिख रही है कि पटना में, यानी कि अपनी राजधानी में, जल्द ही मेट्रो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो पटना मेट्रो की तस्वीर दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए, पटना मेट्रो में जो काम चल रहा है वो कहाँ तक काम पहुँचा है, किस तरीके से ये काम जो है वो चल रहा है, आपको वो पहले तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो आपने तस्वीर देखा, वहीं आपको बताते चलें कि राजधानी को मेट्रो की सौगात देने के लिए L&T कंपनी द्वारा पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। 7 अप्रैल को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन का बटन दबाकर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी थी। इस मेट्रो टनल बोरिंग मशीन ने 41 दिनों में 20 मीटर का सफर तय कर लिया है। दरअसल शुरुआती समय में टनल बोरिंग मधिन ने 30 दिनों में महज 3 मीटर की बोरिंग कर पाया था, जिसकी रफ्तार में अब तेजी आई है। पटना मेट्रो टनल बोरिंग मशीन से खुदाई का कार्य मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में 16 मीटर बने सॉफ्ट पर 2 मशीनों को उतारा गया है, जिसकी रफ्तार में तेजी आई है। वहीं DMRC अधिकारियों की माने तो टनलिंग के साथ साथ लाइनिंग का भी काम एक साथ जारी है। इस जानकारी के अनुसार 5 महीने टनल मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक 1494 मीटर की दूरी तय कर ली गई है। कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 में कुल 13 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होंगे। पटना मेट्रो फर्स्ट कॉरिडोर में पटना जंक्शन, विद्युत भवन, विकास भवन, चिड़ियाघर, राजा बाजार, रुकनपुरा में अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वहीं 2 कॉरिडोर पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर स्टेशन होगा। तो जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के द्वारा 7 अप्रैल को TBM यानी कि टर्मिनल अंडरग्राउंड मशीन को हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन कर दिया गया था, जिसकी जो रफ्तार है, जो काम करने की तेजी है, वो स्टार्टिंग यानी कि शुरू के दिनों में काफ़ी धीरे बताई जा रही थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी तेज रफ्तार से काम कर रही है, जिसके बाद पटना में जो मेट्रो का काम है वो काफ़ी तेजी से बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि पटना का जो मेट्रो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन।